चंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले दिखाई दे रहा है हमको, कैसे किनारे करते हैं ना तुमको। बाकी कैसा लग रहा है इस तरह सबके सामने तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई। बाकी तुमका चाहे जैसा भी लग रहा हो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहे कि तुम बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करने की सोची थी ना। अरे इतना इतना फर्क रह गया है फिर तुम्हारा खेला खत्म। और ओकरे बाद शेखर की जिंदगी से भी तुम्हारा पता कट जाएगा। हाँ और एक और खबर है हमारे पास तुम्हारे लिए। बाजी को कहते हुए सुने थे कि अगर रत्ना पबुनी जी को कुछ हो गया ना तो बाकी सबकी तो छोड़ो वो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बहुत गुस्सा थी वो तुमसे। तुमको क्या लगा था हाँ रत्ना पबुनी जी अभी तक ठीक नहीं हुई है। हम डॉक्टर साहब को कहते हुए सुने थे कि अभी रत्ना बबुनी जी का ठीक होना कुछ पक्का नहीं है। हाँ अगर रत्ना बबुनी जी को कुछ हो गया ना तो एक का झटके में ही पूरी हवेली तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। हाँ क्या करें छोड़ के दुल्हन दे दिया चाहिए अभी। डॉक्टर साहब आइए। अब तक तो तबीयत में कौन सुधार नहीं है। कोनो दवाई इंजेक्शन लगाइए ना। देखिए डॉक्टर साहब एक तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। कुछ भी करके ठीक कीजिए बुचिया को। अभी हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यदि आप तनी हाथ पैरों में तेल की मालिश कर दें तो खून का बहाव सही रहेगा और इनको राहत मिलेगी। हाँ हम अभी लाते हैं। हवेली का बत्ती बुझने लगा है। अभी जाके दीदिया जी को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो आप जा सकते हैं। काहे कि वो नंदिनी दीदी भेजी हमको रत्ना बबुनी की देखभाल के लिए।
ठीक है। क्या कर रही है? ये क्या देख रही है? अरे हमारे हाथ से गलती से ही गिर गई थी। हाँ वैसे तूने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या कर रही है यहाँ? देखने आई है ना कि कहीं हम रत्ना बबुनी जी को अपने आप से कुछ छुकर तो नहीं रहे? वैसे एक बात पता है, जैसे ही दवाई की बोतल गिर के टूटी है वैसे ही दूसरी भी गिर सकती है। और फिर अगर अगर रत्ना बबुनी जी को उनकी दवाई नहीं मिली और उनकी तबीयत बिगड़ गई ना तो हम सबसे कह देंगे हाँ तुम्हारे वजह से दवाई टूटी है। हाँ घुस घुस कर हमको परेशान कर रही थी, यही कहेंगे हम और अब तो हम यही करने वाले हैं। हाँ चुप चुप के दिल क्या कर रही है? हमने गुस्सा दिया जी पर मत उतारिए, मत करिए इसे। तुम हमको नहीं रोक सकती हो, हाँ किसी को बता भी नहीं पाओगी। बताओगी तो तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? हाँ हमको नहीं दिलाना है किसी को कुछ विश्वास। कुछ साबित नहीं करना है कि हम सही है कि गलत, कुछ नहीं। साबित करने के लिए क्या बचा है तुम्हारे पास लाली? छोटे ठाकुर हम दीदी, अरे पता नहीं कहाँ हो गया इसको। हम यहाँ रत्ना बबुनी जी को दवाई देने के लिए आए थे तो ये हमसे कहने लगी कि हम रत्ना बबुनी जी को तकलीफ देंगे। हम काहे लिए तकलीफ देंगे उनको? हाँ हम तो खाली
इस कमरा में हमारी बहन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये वक्त कौनो तमाशा खड़ा करने की कोशिश मत करना लाली। हम तो खाली करके छोटे ठाकुर हम कहाँ छोटे ठाकुर? आखिर क्या हो गया तुमको? जाने काहे लिए कर रही हो ये सब? जाने कौन सा फितूर तुम्हारे दिमाग में घुस गया कि तुम सब ठीक कर दोगी? ये वक्त हम ये सब जानना भी नहीं चाहते। मैं मतलब का कुछ काहे नहीं करेंगे छोटे ठाकुर? तुम जानो तुम काहे कहोगी काहे करोगी। हमारी बात साफ साफ सुन लो। बाकी दुनिया जहान में का हो रहा है का नहीं हो रहा है हमसे कौनो मतलब नहीं। ये वक्त केवल हमको हमारी बहन नजर आ रही है जिसकी जान खतरे में। ये वक्त हम तुम्हारी कौनो शंका कौनो डर दूर नहीं कर सकते। इसलिए हम तुमसे अर्ज कर रहे हैं कि कृपा करके हमको बख्श दो। इस कमरा में हमारी बहन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये वक्त कौनो तमाशा खड़ा करने की कोशिश मत करना लाली। हमको क्षमा कर दीजिएगा छोटे ठाकुर। हमारे कारण से आपको इतना तकलीफ हो रहा है, नहीं तो आप हमको ऐसी बात नहीं करते। बाकी हमको पता है सब कहने में आपको कितना तकलीफ हुआ होगा। नित्या जी की तबीयत को लेकर सबसे ज्यादा परेशान भी तो आप ही ना हैं। अब हमारी वजह से शंकर जी हम भी खाली एगो बिनती सुन लीजिए ना। दीदिया जी को एकदम से ठीक कर दीजिए। बहुत ही कृपा होगी आपकी। जल्दी से उठना, जल्दी से आंख खोल ले। ए बुच्चिया काहे इतना परेशान करी, उठना।
ए शंकर जी, दीदिया जी को ठीक कर दीजिए ना, ठीक कर दीजिए। हमारी बुचिया जितना अब तो इनकी हालत में काफी सुधार है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस दवाई समय पर देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा तो लोहा सिंह जी, अब तो इजाजत दीजिए, मुझे डॉक्टर साहब की फीस दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, अपने परिवार वालों से हमारी तरफ से माफी मांग लीजिएगा, जो रात आप यहां रहे। रणविजया, हम लोगों को निकलना होगा अभी। जी कैसे रहे दीदिया जी की तबीयत? बहुत चिंता हो रही है, भीतर का हो रहा कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक तो है ना दीदिया जी? बड़े ठाकुर मना किए हैं तुमसे बात करने के लिए। अच्छा बात मत कर, खाली इतना बता दे कि दीदिया जी की तबीयत ठीक ना है, फिर कुछ नहीं पूछेंगे। अब भाई डॉक्टर बाबू चेक करके गए हैं। और यहाँ का पंचायत हो रहा है रे सत्यानाश? है ए गुलगुली, तुमको मना किए थे ना कि चिरैया के साथ बात नहीं करने के लिए। हाँ अभी हाल जाके हम बड़े ठाकुर को बताते, फिर करेंगे तुम्हारा सत्यानाश। जा जा काम कर। तो क्या बातें हो रही थी भरी दुपहरिया में? ये जानने की कोशिश कर रही होगी कि हवेली में क्या चल रहा है? झूठ मूठ का जो ड्रामा करना है उसका प्लानिंग कर रही होगी? अरे ये बात हम और तुम दोनों अच्छा से जानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन तमाशा कर रहा है। ए कहना का चाहती है मुझौसी, जितना लंबी म्याद है ना बस उतना ही बोल। तो जैसे तो फुटकर हवेली में कितने आए और गए। हाँ बहुत आते हैं हमरे तुमरे जैसे लोग, बाकी तुमरे जैसा और हमरे जैसा किस्मत लिखा कर नहीं आते। लेकिन तुमको इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? तुमरा बस चले ना तो औरत की इज्जत मर जात को टोकरी में लेके गली गली बेच दो। कैसी माई हो, अपना बेटी के इज्जत मर जात से खेलने वाले को ऐसे बचाने के पीछे पड़ी हुई हो? लाज नहीं लगता है? औरत के नाम पे कलंक, कलंक हो तो मन करता ना ये मुंह पर थूकते। बाकी ना थूकेंगे ना, क्योंकि हमरा थूक भी ना गंदा हो जाएगा तुम पर थूक। अरे गंगिया, अरे तोहरे पेट में भूडो लाए वहां का कर रही है? जल्दी से कमरा में आ। बात है बुढ़की दीदी? अरे आ गई तू?
जा जल्दी से जाके हमारे बुचिया के पसंद का खाना बना और फलौरा जरूर बना लेना समझी का। ओ गंगे सुन खीर और लुचाई भी बना लेना। हाँ ए गंगिया तनी सुन तो वहां लाली से क्या बात कर रही थी। वहां उत्तम तनी देखने गए थे कि उच्च रही नौकर चाकर से बतिया कर हवेली के बारे में कुछ पता तो नहीं कर ली। बहुत अच्छा की बाकी वो पूछ कर रही थी। अरे कुछ नहीं रत्ना बबुनज के बारे में पूछ रही थी। अरे देखावा दिखा रही थी कि कितना ख्याल रखती है बबुनी का। हाँ, हम भी कोनो कम नहीं है। अरे हमने मार के भगा दिए उसको। अरे बहुत अच्छा की अब जा जल्दी जाके बना के ले आ जो हम कहे हैं। ले बुचिया पानी पी ले। ए गंगिया खीर में मेवा जरूर डालना लगना चाहिए कि मेवा का खीर है। रत्ना को वैसा ही खीर पसंद है। अरे बबुआ गंगिया को का कह रहे हो वो तो कब की चली गई। अच्छा